नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। जनपद के चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग द्वारा पंजाबी बारात घर पर भोपा रोड पर आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल व जिलाधिकारी अरविंद वल्लभ पबंगारी, मुख्य विकास अधिकारी संदीप भांगिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार के द्वारा किया गया। सम्मेलन में प्रत्येक ब्लॉक से सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली तीन तीन आशाओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। प्रथम पुरस्कार पाने वाली आशा को 5,000, द्वितीय पुरस्कार पाने वाली आशाओं को 2,000 व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली आशाओं को 1,000 राशि का प्रोत्साहन राशि दी गई। सम्मेलन में सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत स्वागत गीत, नगरीय आशाओं के द्वारा देवा श्री गणेशा, धरती को बचाओ नाटिका, वृद्धावस्था पर नाटिका, समूह नृत्य हरियाणवी नृत्य आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली सभी आशाओं को प्रशस्ति पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूरे जनपद से 3 BCPM को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिनमें से ब्लॉक बुढ़ाना के BCPM हरविंद्र को प्रथम पुरस्कार, कविता देवी खतौली ब्लॉक से द्वितीय पुरस्कार व मोरना से विजय शर्मा को तृतीय पुरस्कार दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम के सफल और शानदार आयोजन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार को धन्यवाद व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में आशा बहनों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेश जैन, डॉक्टर दिव्या वर्मा, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गीतांजलि वर्मा, आशा कम्युनिटी रीजनल मैनेजर शमशीर आलम, अलका सिंह, जिला मलेरिया अधिकारी DPM विपिन कुमार, कमल कुमार लेखाकार, देवेंद्र शर्मा, जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी प्रदीप शर्मा सहित समस्त ब्लॉक की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गीतांजलि वर्मा के द्वारा किया गया। आज स्वास्थ्य विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा वृहद आशा सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया। पूरे जनपद से आशाएं बहनें यहाँ पर आई हुई हैं और उन्होंने अब अपने ब्लॉक के हिसाब से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम या और जो भी सुंदर से कार्यक्रम आयोजित किए, एक मार्गदर्शन देने के लिए समाज को ऐसे भी कार्यक्रम यहाँ पर किए गए और उन आशाएं बहनों को जो प्रथम द्वितीय स्थान है उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रमाण पत्र और एक गिफ्ट भी यहाँ पर प्रदान किए गए। आशा बहनों कहा गया आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर आने वाले समय में कुछ परेशानी जो ग्रामीण स्तर पर है, नगरीय स्तर के अलावा ग्रामीण स्तर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, उन आशा बहनों को कोई किसी तरह की परेशानी हो तो मुख्य शिक्षा अधिकारी जिसमें हमने कहा उनकी दिक्कत परेशानी को आप दूर करें ताकि वो अपने पूर्ण मन से कार्य कर सकें। लगातार भर्ती और जिला छात्र डॉक्टरों के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसमें कई महिलाओं की हाल फिलहाल में मौत हुई है। वो मैंने अभी बता दिया, आशा बहनों का ये काम है या आंगनबाड़ी बहन कोई भी हो कि जहाँ भी गर्भवती महिलाओं को जो प्रसव की बात हो तो सीधे जो आपका PHC या CHC है वहाँ पर लेके जाए, अगर वहाँ नहीं है क्योंकि वहाँ भी अच्छे प्रशिक्षित चिकित्सक हैं, नहीं तो उनको सीधे जिला चिकित्सालय लेकर जाएँ। भाई यह मैं अपने तरफ से नहीं कह सकता, मैंने इतना इस चीज़ को उनको एक मतलब निवेदन किया कि आप प्राइवेट अस्पताल में कहीं ना जाएं, चाहे वो नर्सिंग होम हो चाहे वो छोटा अस्पताल हो, आप सीधे जिला चिकित्सालय। ये आशा सम्मेलन हर वर्ष किया जाता है और ये 23 अगस्त 2005 को भारत सरकार ने आशा योजना शुरू की थी, जिसमें कि गांव में करीब 1,000 से 1,500 की आबादी पर एक आशा रखी जाती है और ये सामान्यतः गांव की जो बहू होती है उसी को आशा चुना जाता है। तो ये लोग तब से 2005 से ये योजना चल रही है। अब स्वास्थ्य विभाग की हर जो नीति है, जो योजना है, वो आशाएँ जो है धरातल पर क्रियान्वित करती हैं, तो ये आशा हमारी स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी कड़ी है जो कि हमारे सारे कार्यक्रम धनाधन उतारती है। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में ये आशाएं थी जो कि घर का दरवाज़ा खटखटा के मरीज को दवाई दे रही थी, जबकि उनके परिजन, माँ बाप तक, बच्चे, बेटे, बेटियां उनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे थे, उनकी शक्ल नहीं देख रहे थे, तो आशाएं जा रही थी उनके घरों पर। तो उन आशाओं ने बहुत काम किए योद्धा की तरीके से। तो आज का जो आयोजन करते हैं हर साल आशा सम्मेलन, इस आयोजन का उद्देश्य यही होता है कि आशाओं ने जो साल भर काम किया है उसके लिए उनको प्रशस्ति सम्मानित किया जाए और आगे आने वाले काम के लिए वो अपने उत्साह से करें तो उनका उत्साह वर्धन किया जाए। आज का मूल उद्देश्य आशाओं पे एक आरोप लगता है वे निजी अस्पताल में मरीज को ले जाते हैं कुछ लालच की वजह से, जिसकी वजह से मरीज की जान को खतरा हो जाता है, कई मामले हाल फिलहाल में सामने आए। हाँ, ये आरोप लगते हैं और हम लोग जो शिकायत मिलती है उसमें हम जाँच करवाते हैं
और कई एक बार जो है इस तरीके के आरोपों में सत्ता भी पाई जाती है। जिन चिकित्सालय में ले जाती हैं उनकी भी जांच करवाते हैं, अगर वो पंजीकृत नहीं मिलते तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। और आशाओं से हमेशा हम तो यही कहते हैं, निर्देश भी देते हैं अधिकारियों को और आशाओं से भी यही करते हैं। अभी आज इतनी आशाएँ आई हुई हैं जिले भर की, कम से कम 1000 आशाएँ आई हुई हैं, उन सबके सामने आपने देखा होगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी यही निवेदन किया है, मैंने भी उनसे यही आह्वान किया है कि जब भी प्रसव हो, उनसे बहुत उम्मीदें हैं सरकार को, 102 सरकारी एम्बुलेंस निःशुल्क ले जाती है गर्भवती महिला को और 1 साल तक के बच्चे को अस्पताल लाने ले जाने के लिए, तो उनसे हम तो यही करते हैं और उसका फ़र्क भी पड़ता है, असर भी पड़ता है उसका, आशाएं मानती भी हैं। अब कुछ एक के लिए तो 100% हर काम कोई भी सफल नहीं हो पाता, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि सरकारी संस्थागत प्रसव हो। कुछ लोग पैसे लेके अस्पताल में बिचौलियों का काम करते हैं, दवाई दिखवाने दलाल पकड़ा भी गया था। हाँ, ये अभी अभी मैंने भी उसे समाचार पत्र में पढ़ा था कि जिला चिकित्सालय में ये किस तरीके का व्यक्ति पकड़ा गया था, तो उसमें मेरी उनसे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बात हुई थी, उन्होंने उसको पकड़वाया भी था और उसको कोतवाली पुलिस में गिरफ्तार भी करवाया। अब उसके बाद का मुझे पता नहीं क्या हुई है क्रिया, लेकिन इस तरीके के हम कभी बढ़ावा नहीं देते। और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से मैंने यही बात कही है कि इस तरीके के लोगों का वो भ्रमण करें, इस तरीके के लोग अगर पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे कि बिचौलियों को, इस तरीके के लोगों को बिल्कुल। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।